पुरी जाते हुए टनल पास करनी पड़ती है, ये वन वे चलती है, मतलब इधर से ट्रैफिक रोका जाता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड से अलाउ किया जाता है, फिर राइट हैंड साइड से रोका जाता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड से अलाउ किया जाता है। सो रास्ता देख रहा था मैं, सही जा रहे हैं। कुफरी 10 किलोमीटर, नारकंडा 57, देखते हैं कितना समय लगता है, क्योंकि पहाड़ों में 10 किलोमीटर भी आधी एक घंटा ले लेता है। क्या हर मोमेंट पे टर्न है, हर 2 मिनट के रास्ते में टर्न है। ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा, और टर्न कई कई बहुत रिस्की भी हैं, तो उधर ध्यान से चलानी पड़ती है, धीमे चलानी पड़ती है, गाड़ी तेज नहीं दौड़ा सकते इन जगह पर आप। यू हैव टू कंट्रोल योर स्पीड, प्लस गाड़ी की बैंड भी बहुत बचती है, क्योंकि एक हाथ क्लच पे रहता है हमेशा, तो हाफ क्लच और हाफ एक्सेलरेटर पे कितनी जगह चलानी पड़ती है आपको। जा रहे हैं कुफरी, थर्ड विजिट है, सेकंड विजिट में ऊपर तक नहीं जा पाया था कुफरी, रास्ते से वापस आना पड़ा पकोड़े खा के, क्योंकि बर्फ गिर गई थी, और जब फोर व्हीलर स्लिप हो रहे थे तब तो मैं टैक्सी करके गया था। अब देखते हैं, आज मुझे लगता है ऐसा कुछ इशू नहीं रहेगा। वेदर भी मैंने चेक किया है, 2 दिन तो कोई स्नो नहीं है, 2 से 3 दिन। अभी कुफरी तक तो स्नो लेट गिरता है दिसंबर के बाद, वो एरिया थोड़ा नीचे है, अगर नारकंडा जाएंगे क्योंकि वहाँ पे शायद स्नोफॉल है, या कुछ जगह है जहाँ पे स्नो मिलेगी, देखते हैं होएगा तो उधर तक जाके आएंगे। 257 किलोमीटर है, अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड। पेट्रोल अभी के लिए तो काफ़ी है मेरे पास, लेकिन फिर भी सेफर साइड ना मैं पूछ लूँगा थोड़े समय में। ओहो हो, ये देखिए गाड़ी फंस गई है लगता है, यहाँ की पार्किंग स्टाइल भी बहुत ख़तरनाक है। आज जैसे मेरे को बाइक खड़ी कराई थी, इट वॉज नॉट ईजी टू ब्रिंग इट आउट। कहाँ जाना है, मैप तो कह रहा है सीधा ही जाना है, तो हम निकलते हैं सीधा। ओके, यहाँ लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो हमें भी करने चाहिए। प्रॉपर शिमला बाजार है ये, और इसके उस तरफ, ये दुकानों के उस तरफ बहुत गहरी खाई है, और उस खाई में भी लोग रह रहे हैं, वैली टाइप से भी दिखेगी। ये देखिए, ये देखो शिमला शहर, संजौली जगह का नाम था ये, संजौली मार्केट है मेरे को, अभी कुछ संजौली से भी आगे आगे कोई धलई धलई जगह का नाम है ये। यार मैं ये सोच रहा हूँ ये एक्सर के हेलमेट में अंदर जगह कब बनेगी, अला मुंह दबा देता है बोलते बोलते ना, गाल काट लेता हूँ मैं अपने, पता ही नहीं चलता। नालदेहरा 15 किलोमीटर, कुफरी 7, नालदेहरा भी अच्छी जगह है, तो आज अगर हुआ तो या तो ये 3 जगह निपटाएंगे, कुफरी, नालदेहरा और नारकंडा, और उसके बाद कल झाकू, तारा देवी, और कौन सा टेंपल, झाकू टेंपल हो गया, तारा देवी हो गया, और एक कोई मंदिर बताया, बट वो थोड़ा दूर पड़ेगा, 2 दिन की ट्रैक है, तो शिमला में इतने दिन नहीं दे सकते, तो शायद वो तो नहीं हो पाएगा, बट ये 5 जगह तो मैं कवर कर ही लूँगा। इसके अलावा मॉल रोड चलेंगे, और क्या है,
तो नाल दे रहा 15 किलोमीटर है। कल निकलूंगा मैं जल्दी सुबह 6-7 बजे, क्योंकि यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। 4:30-5 बजे के बाद में अंधेरा होने लगता है और 6 बजे तो रात हो जाती है भाई इधर। और मेरे पास आज ज़्यादा समय नहीं है, 4-5 घंटे ही हैं। तो मोर और लेस नारकंडा कुफरी तो पक्का हो ही जाएगा आज। नाल देरा आज नहीं हुआ तो कल कवर करेंगे। कल नाल देरा, तारा देवी और झाकू टेम्पल और मॉल रोड, और फिर हम निकलेंगे मनाली के लिए। ये देखो चैंपियन आदमी है। और पहाड़ी इलाकों में आओगे तो आपको पता चलेगा मारुति ऑल्टो और मारुति सुजुकी की क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब पूरी जितनी गाड़ियाँ ये ऑल्टो और सुजू मारुति 800 मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है ना, उतनी मैंने शिमला आके देख ली। इतनी है यहाँ पे, बहुत चलती हैं ये गाड़ियाँ टूरिंग में। क्या कुछ छोटी गाड़ियाँ हैं और पहाड़ों पे ऐसी ऐसी गाड़ियाँ ही फेमस होती है। ये आपको मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ, इसको पब्लिक ग्रीन वैली बोलती है। गाइस दिस प्लेस इज कॉल्ड ग्रीन वैली। शिमला की बहुत फेमस जगह है। शिमला से कुफरी जाते हुए अगर आप देखोगे ये सारे खजियार के पेड़ हैं और पूरा पहाड़ी पहाड़ है सामने। इस जगह पे कोई भी घर नहीं है, बहुत ही अच्छा व्यू है ये टुवर्ड्स कुफरी जाते हुए। जो स्पॉट मोस्टली काफ़ी लोग यहाँ रुकते हैं, अगर देखोगे आप बहुत लोग रुकते हैं यहाँ। आई होप मैंने सही कवर कर लिया होगा ये, क्योंकि अगेन मैं हेलमेट पहन के कवर कर रहा हूँ। अब बार बार गोप्रो नहीं उतार सकते यार, ये थोड़ा मुझे इसका डिसअपॉइंटिंग लगता है। मुझे एक गोप्रो और लेना पड़ेगा लगता है। तो गाइस पहुंच गए हम कुफरी ऑलमोस्ट। और रास्ते में मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी, एक डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट था। पॉसिबल हुआ तो रिटर्न आते हुए वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करूँगा। एंड लेट्स कीप इट सरप्राइज टिल देन। वंस आई विल गो देयर देन आई विल शूट एंड आई विल टेल यू व्हाट इट इज़ एक्चुअली। ये क्या है? ओके हिमाचल। कोई आर्मी का या यूनिट है ये शायद। कैफेटेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यहाँ पे। नाइस प्लेस। मोस्ट कुफरी अब 800 मीटर्स होगा या हाफ एन किलोमीटर होगा। पहाड़ों पे गाड़ी चलाते हुए मतलब टर्न्स पे आपका विजन बिल्कुल नहीं होता, आपको पता नहीं रहता कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये चीज़ अजम्पशन के बेसिस पे आप हमेशा ओवरटेक नहीं कर सकते, थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के लोकल ड्राइवर है जो रेगुलर हैं वो अपने हिसाब से ही गाड़ी चलाते हैं और उनको ध्यान है लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट, वो स्पीड स्लो नहीं करेंगे। इस कारण से आपके साथ कुछ हो सकता है। ओके कुफरी इज 0.3 किलोमीटर, थियोग नारकंडा चेल। नारकंडा भी जाएंगे हम आगे, पहले थोड़ा कुफरी घूम लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ तक गाड़ी जा रही है। कुफरी ग्रीन्स होम स्टे, ये अच्छा है कुफरी, काफी अच्छा है। ये देखिए कुफरी से क्या व्यू है, गाड़ी रोक के दिखाता हूँ आपको। वो पीछे की साइड पे दिख रहा है आपको, बर्फीले पहाड़ है वो। इन पहाड़ों के पीछे वाइट वाइट सा जो दिख रहा है वो बर्फीले पहाड़ है। वहाँ आगे से और भी अच्छा व्यू आएगा। लेट मी टेक यू देयर।
होटल रेडिसन कुफरी, एक्सट्रीम नाइस लोकेशन। भैया आगे रोड किधर जाएगा? कुफरी, कुफरी में आगे स्नो पॉइंट और था ना, वो किधर है? कुफरी? हाँ। एडवेंचर? नहीं नहीं स्नो पॉइंट था ना, स्नो पॉइंट अभी पड़ा ही नहीं है ना। स्नो नहीं है। हाँ हाँ स्नो पॉइंट तो पीछे से जहाँ से आप आ रहे हो, हाँ 5 किलोमीटर पीछे और 5 किलोमीटर आगे, यहाँ पे स्नो रहता ही रहता है, बट अभी कहीं पे भी नहीं है जो मेन पॉइंट है कुफरी में घूमने का। तो ये सीधा नारकंडा जाएगा ना? अभी नारकंडा तो जाएगा बट नारकंडा में स्नो नहीं रहेगा, अभी नहीं गिरा है। नारकंडा और जो मेन कुफरी है टॉप दोनों सेम सेम है। मेन कुफरी किधर से जाने का है? मेन कुफरी सर यहाँ से 2.5 किलोमीटर है वो, बट वो आपकी बाइक नहीं जाएगी वहाँ पे, वहाँ पे जाएगा घोड़ा। क्यों? 2.5 किलोमीटर तक बाइक जाएगी क्योंकि रोड ही नहीं है सर वैली के लिए। वहाँ पे आपको मिलेगा नाग टेम्पल, एप्पल गार्डन, शूटिंग प्लेस और टेलीस्कोप से चाइना वॉल भी दिखेगी, और एक वो पॉइंट है घूमने का और 2 एडवेंचर पार्क है जिसमें बाइक प्रॉपर जाएगी इस तरह। नहीं कुफरी जू किधर है मुझे वो बताओ, वहाँ तक तो गाड़ी जाएगी। हाँ, जू जाएगा। कुफरी जू कैसे जाने का? खाली वो है जू देखने का। हाँ वो कहाँ से? ऊपर से जाएगी। ओके व्यू टर्न ले लेना, कुफरी नहीं घूमना क्या? वैसे मैंने किया हुआ ये सब जो आप बोल रहे हो, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। हाँ खुद की गाड़ी पे पहली बार आ रहा हूँ, बस ये है डिफरेंस। मेरे को जू जाना था, जू नहीं। ओके थैंक यू। तो हम चलते हैं कुफरी जू, वहाँ देखेंगे भाई वाइट लेपर्ड कैसा दिखता है, और उसके बाद निकलेंगे नारकंडा। आते हुए फुगो फगो फगो फुगो फुगो कुछ करके जगह है, वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं वो भी गो थ्रू करेंगे। वाटर स्पोर्ट्स और ये एडवेंचर एडवेंचर तो वही है भाई जो लोनावला में है, यहाँ कुछ अलग नहीं है। हाँ वो अलग है, स्काईफॉल, स्काईफॉल मिलेगा तो बात अलग है। स्काईफॉल भी नहीं, वो पैराग्लाइडिंग क्या आप बोलते हैं उसको, वो देखेंगे यार बाद में देखेंगे। अभी तो पहले कुफरी जू तक चलते हैं, वहाँ कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे, जू घूमेंगे, बाद में हम डिसाइड करेंगे। देख रहे हो कितनी छोटी रोड है भाई, एक ही गाड़ी निकल सकती है इधर से, तो अपनी बाइक थी करके निकल गई। मानना पड़ेगा, देखो कैसे गाड़ी पार्क करी है एकदम एज पे इसने, टैलेंट है लोगों का यहाँ पे गाड़ी पार्क करने का भी। तो ये तो कंफर्म हो गया है भाई, अभी स्नो नहीं गिरी है कहीं पे भी, और आने वाले 2-3 दिन कहीं गिरने वाली भी नहीं है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। और क्या है, ऐसे टर्न्स पे कभी भी इमीडिएट लेफ्ट नहीं मारना चाहिए, थोड़ा रुक के एक सी लेकर के ही टर्न मारना चाहिए, नहीं तो आपकी गाड़ी स्केड हो जाएगी और कोई भी तरह की अनसर्टेनिटी हो सकती है उसके बाद। मेरे साथ एक बार हुआ है, मैं गया था माथेरान बाइक लेकर के, तो ऑलमोस्ट गाड़ी पीछे आने लग जाती है और आपके शूज़ पे ग्रिप नहीं बनती है तब, और ये होता है आजू बाजू में कंकर वाला पत्थर, कंकर पत्थर वाला रास्ता सिर्फ बीच में होती है रोड, तो क्या होता है आप इनडायरेक्टली स्लिप ही होते हो, और गाड़ी का ब्रेक ज़रा भी ऊपर नीचे हुआ तो यू विल डायरेक्टली फॉल। लकीली मैं तो उस दिन बच गया था, मैं गिरा नहीं था, बट गाड़ी ज़रूर गिर गई थी, मैं खड़ा हो गया था साइड में। तो मुझे लगता है हम कुफरी पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी गाड़ी पार्क, और हम जाएंगे कुफरी जू में अगर आज वो खुला है तो।
हाँ पेड पार्किंग मिल रही है भाई चौहान भाई की। मैं जहाँ तक जानता हूँ जू तक तो गाड़ी जाती है, कुफरी जू तक तो गाड़ी जाती है, बस वहीं तक जाना है। लास्ट टाइम भी वहीं गए थे हम, जू खुला रहा तो जू घूम भी लेंगे। ओहो कुफरी फार्म्स, यहाँ से हॉर्स पॉइंट, घोड़ा पकड़ो और निकलो। दुनिया भर की गंदगी है भाई इधर। भाई जू किधर है? जू कुफरी जू, कुफरी जू मंगलवार को बंद है ना, वही लगा था। हाँ कुफरी घुमा हूँ दो बार भाई, तीसरा विजिट है मेरा। एडवेंचर एक्टिविटी कर लिया। एडवेंचर क्या कराएंगे अभी, क्या है अपने पास? महाराष्ट्र से आ रहा हूँ मैं बाइक पे, मुंबई से तो वापस पीछे जाना पड़ेगा अभी तो। ये लोग रिवर्स कितना सही होता है। मैं कि ये गाड़ियों में पावर बहुत है, बोलेरो और महिंद्रा की टाटा की गाड़ियों में। पहले हॉर्न बजा दे भाई अब। ए तेरी माँ का, आगे आगे निकल। तीसरी या चौथी आ गई है।
भैया इधर कोई माता का मंदिर है ना, तारा देवी है, क्या नाम है? तारा देवी। वो पहाड़ पे है ना? कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से आपकी जगह शिमला के बाद। हाँ, शिमला से पीछे। अच्छा, कितनी दूर है लगभग? कितना किलोमीटर होता है वो? 15-16 शिमला हो गया। हाँ, 30 किलोमीटर। झाकू तो अभी जा सकता हूँ ना मैं? लेट हो गया मतलब? गाड़ी से जाना है ना? हाँ, मॉल रोड तो खैर चलिए जाएंगे। जाकू भी वही साथ में। जाकू पीछे ही तो है भाई, रोड जा सकते हैं ना उधर तो? गाड़ी जाएगी ना ऊपर तक? बाइक जाएगा पतली रोड। हाँ, बाइक जाएगा पतली रोड। हाँ, तो फिर कल सुबह निकलता हूँ जल्दी, 6-7 बजे। 7 बजे? मॉर्निंग का ही रहेगा नज़ारा देखने का। हाँ, वही जाकू का मॉर्निंग का अच्छा रहेगा। अभी आपका मॉर्निंग का रहेगा नाइट का? हाँ, वही करना पड़ेगा। अभी मॉर्निंग जाता हूँ जाकू, वहाँ से तारा देवी। अच्छा, ये मनाली के रास्ते में कोई आता है क्या? ये नालदेहरा और ये मनाली के रास्ते में आता है क्या? मनाली के लिए तो मंडी जाना पड़ेगा ना मेरे को, तो मंडी का रास्ता शिमला के पीछे वाला लगेगा या आगे वाला लगेगा? ये कुफरी वाला रास्ता नहीं लगता है। ये आगे कहाँ जाता है? नारकंडा के बाद? नारकंडा, रामपुर। अच्छा, रामपुर भी ऊंचाई पे है क्या? बर्फ गिरती है क्या वहाँ? हाँ, तो वो मतलब मंडी जैसा है क्या रामपुर? या ऊंचाई पे है वो भी? वो हाइट में है। अच्छा, वहाँ कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है क्या? आपका जो नारकंडा रहेगा ना हाइट, हाँ हाँ, वहाँ से डाउन में जाएंगे आप नीचे बिल्कुल। अच्छा, तो डाउन में रहेंगे पर हाइट जगह है ना। नारकंडा कितना? 65 किलोमीटर है ना यहाँ से? 60। ओके गाइस, आज का पूरा दिन कुफरी में ही निकल गया, तो ना तो हम नालदेहरा जा पाए और ना ही नारकंडा। और कुफरी और तारा देवी टेम्पल, ये चार चीज़ें रही हुई है जो शिमला में देखने लायक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे लोकल से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि नारकंडा में आपको वही सारी चीज़ें मिलेगी जो कुफरी के अंदर हैं, मीन्स थोड़े बहुत एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं और हॉर्स राइडिंग है और पूरे हिल का व्यू मिलता है आपको ऊपर से, प्लस सर्दी ज़बरदस्त। तो मैंने आज का पूरा दिन कुफरी में दे दिया है। अभी कुफरी से जस्ट मैं निकला हूँ, सब चीज़ें पैक वैक करके, गोप्रो की बैटरी चेंज करके, अब कहीं पे कुछ खाना खाएंगे या फिर सीधे मॉल रोड जाऊँगा। पहले मॉल रोड के बाद कहीं खाना खाऊँगा, उसके बाद कल मेरा टारगेट रहेगा सबसे पहले जाकू टेम्पल। बहुत पास है मेरे होटल लोकेशन से, मैं अभी भी जा सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। जो व्यू है जाकू टेम्पल से वो दिन में ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जाकू टेम्पल कल, फिर मुझे ये पता करना है तारा देवी कितना किलोमीटर है। भाई नारकंडा तो 65 किलोमीटर है मुझे पता है, वो कुफरी के आगे पड़ता है 50 किलोमीटर। अब जब बिकॉज आज का पूरा दिन कुफरी में चला गया है तो नारकंडा और नालदेहरा के लिए मुझे कल टाइम निकालना पड़ेगा। और कल ऑलरेडी मैंने सोचा हुआ था जाकू टेम्पल और तारा देवी,
तो ये दो जगह तो मैं जाने का सोच ही रहा हूँ, नालदेहरा और नारकंडा, अभी नॉट श्योर क्योंकि अगर वैसा करा मे बी पॉसिबल मुझे एक दिन और शिमला में स्टे लेना पड़ जाए, जो मैं नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे मनाली में और टाइम देना है। मनाली में काफ़ी जगह हैं जो मैंने एक्सप्लोर नहीं करी है, शिमला तो फिर भी मैं पहले भी घुमा हुआ हूँ, कुफरी मैं तीसरी बार आया हूँ, एक बार बीच रास्ते से चला गया था। शिमला 14 किलोमीटर, सोलान 69 किलोमीटर, परवानू 94 किलोमीटर, तो ये पूरा नाइट का सफ़र है अपने लिए अभी 14 किलोमीटर का। तो कई लोग आते हैं वो कुफरी में भी स्टे लेते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है, ये देखिए बेचारी बिल्ली, यहाँ पे ऐसे ही है ना, स्नो लेपर्ड भी रास्ता क्रॉस करते हैं कभी कभी, तो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है इन सब चीज़ों का। डोंट बी इन अ रश। तो मैंने कहा था मुझे रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखा था, अगर वहाँ पे आते हुए अगर खुला रहा तो अच्छी चीज़ है, देखेंगे ज़रूर, बट मुझे नहीं लगता अब वो खुला होगा, फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, देखते हैं। नहीं तो अगर कल मैं नालदेहरा गया और नारकंडा गया तो आपको वो ज़रूर दिखाऊँगा। बाकी ऐसा कहते हैं इन पहाड़ों में भगवान बसते हैं, देव स्थान है ये सारे, लगता भी है वैसे, यहाँ के एक अलग ही पीस है और काफ़ी लोग इन पहाड़ों को पूजते भी हैं। हिमाचल का एक बात मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे ना फ्रॉड करने वाली पब्लिक थोड़ी कम है, छोटा मोटा तो सभी करेंगे, टूरिस्ट स्पॉट है, बट जो चीज़ है लोग फेयर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, यहाँ की भाषा लोगों की बहुत अच्छी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, बात घुमा घुमा के नहीं करेंगे, हाँ तो हाँ ना तो ना। डबल डेकर ट्रक है जिसमें लोग खा सकते हैं और ऊपर बैठ भी सकते हैं, मुझे ये अच्छा लगा, देखना था ही, अभी देखते हैं इसको। तो गाइस दिस इज़ अ फूड वैन, डबल स्टोरी फूड वैन, नीचे किचन है, ऊपर बैठने की जगह है और उस तरफ वैली व्यू है। फूड वैन का नाम है खाना बदोश फूड ट्रक। चलिए ऊपर चलते हैं, हमने हमारा ऑर्डर दे दिया। पहुंच गए हैं, व्यू देखो, चीज बर्गर और चाउमीन बोला नीचे, नहीं कह रहा हूँ बोला है, ये यहीं खड़ा रहता है, आप लोग लेके जाते हैं इसको, यही होता है, है। फिक्स यहीं खड़ा रहता है और कभी ले जाना पड़े तो चलता है। नाइस फील आता है इसमें, बहुत अच्छा, हाँ अलग फील आता है इसमें, हाँ हाँ। बाय, बहुत ज़बरदस्त जगह है, डबल डेकर ट्रक है, फूड है, जगह देखो, यहाँ पे वैली व्यू है वैसे, अभी रात को तो कुछ दिखेगा नहीं, और सर्दी में बैठ के खुले में बर्गर खाओ, चाउमीन भी बोली अभी। चलो लेट मी एंजॉय माय फूड। और अब चलते हैं शिमले, शिमले जाएंगे भाई शिमले। और शिमला जाते हुए एक और चीज़ है, वो ग्रीन वैली के आसपास में करूँगा, वो ज़रूर आपको दिखाऊँगा। ठंड बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ गई है ठंड, लेकिन अपन भी फुल पैक हो चुके हैं तो अपने को कोई तकलीफ़ नहीं है, यही रास्ता है भाई लोग, यही रास्ता है। तो अभी हम कुफरी से नीचे उतर रहे हैं, गोइंग टुवर्ड्स शिमला। 29 मिनट्स
का रास्ता दिखा रहा है। आई होप जल्दी कवर अप हो जाएगा। सब जगह खजियार के पेड़ है भाई लोग, पेड़ों के बीच में से निकल रहे हैं अपन।